नरसिंहपुर जिले में आदिवासी वन ग्राम मुहपानी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीण मुहपानी से 80 किलोमीटर तक पैदल ही भ्रष्टाचार की शव यात्रा लेकर जिला मुख्यालय में पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के पूर्वी उन्हें न्यायालय परिसर के पास प्रशासनिक अधिकारियों ने रोका। इसी दौरान आदिवासी ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जब उन्हें शिकायत की तो कोई नहीं सुना, जिसके चलते मजबूरन उन्हें 80 किलोमीटर पैदल शव यात्रा निकालकर जिला मुख्यालय आने पर मजबूर होना पड़ा। इसके आगे ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उन्हें जिला स्तरीय जाँच का भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक वह बीच सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय जांच समिति गठित की जा रही है, जो ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जांच करेगी। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। हम ग्राम पंचायत मोहपानी से धरना तहसील चलकर नरसिंहपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए हम लोग आए हैं आज मैडम जी से मिलने के लिए, और जो भ्रष्टाचार की अर्थी लेकर आए हम। आज सचिव को पद से क्यों नहीं हटाया जाता है? एसयू साहब ने भी कहा था कि फर्जी बिल लगाए गए हैं, इसके बाद भी सचिव को पद से नहीं हटाया जाता, उसका ट्रांसफर कर दिया। अभी मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अभी दो दिन के लिए अभी सचिव को वही रखा जाए, तो जब तक उसकी जांच नहीं होती और जांच होने के बाद ही उसको पद से हटाया जाए। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि हमारी पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 27,000 रुपए का बिल लगाया गया, साफ सफाईत नहीं हुई है और साफ सफाईत के नाम से बिल लगाया गया। हम मोहपानी गाड़ावारा तहसील विकास खंड बाबई चिचली से पैदल आ रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। 80 किलोमीटर से हम जो भ्रष्टाचार है नरसिंहपुर जिले के अधिकारी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी खिलाफ बात करते हैं। हमें भ्रष्टाचार की अर्थी लाए हैं 80 किलोमीटर से कि नरसिंहपुर जिले में आखिर पंचायतों में क्या चल रहा है। 50 रुपए का किलो का नमक का बिल लगाया जा रहा है, 27,000 के बिल लगाया जा रहा है सफाई के लाने, इसके बाद वहाँ पे धरातल पे कोई भी काम नहीं है। समस्या लेकर आई है, कहाँ से आई है आप? हम मोहपानी गुटोरिया से आए। कितनी दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। अच्छा, क्या समस्या है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग जो है हमारे गाँव की जाँच हो गए, और 2.5 साल हो गए सरपंच बने, अभी तक कोई बैठा कुटक नहीं भाई, न हमारी इधर कचरा साफ भाव वो न कोई घर आए, और सरपंच तो कोई पहचानता ही नहीं है और सरपंच दूसरी चला रहा है। हमारी मांग पूरी हुए तो जहाँ से हटे वो नहीं, हम नहीं हट रहे। इन लोगों की कुछ मांगे हैं, ग्राम पंचायत की जांच की मांगे हैं, और इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ महोदय द्वारा जिला स्तरीय टीम का गठन कर दिया गया है, और इनके जितने भी बिंदु हैं जाँच के उस पर जो है जिला पंचायत स्तरीय टीम उस पर जाँच कर रही है। 2-3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, है ना, इसके बाद जो दोषी होगा उस पर वो कार्रवाई होगी। सर इनका कहना है कि जनमन योजना के जो शिविर लगाए गए हैं वो कागजों में लगे, वो बड़े बड़े बिल निकाले गए हैं। जी नहीं, उसमें देखिए वो सारे बिंदु पर जो है आपका ही आरोप है कि इनने भ्रष्टाचार किया गया है, तो सारे बिंदुओं पर जिला स्तरीय टीम जाँच करेगी, उसके बाद ही हम उसके निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। सभी करेंगे। तो देखिए जांच जब होती है तो हर जितने भी बिंदु हैं, जो भी निर्माण, सबकी जांच करेंगे, इसीलिए तो जिला स्तरीय की टीम गठन किया गया है। ठीक है।